दो खास मेहमान मेरे साथ, वीरेंद्र सहवाग और साथ में राहुल जोरी जी, प्रेसिडेंट रेवेन्यू जी एंटरटेनमेंट। राहुल भाई, कमाल का ये आपने शो जो दिखाया है पिछले सीजन और इस सीजन, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लीग, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने सब लोगों ने इतनी मेहनत करी है उसका फल देखने को मिल रहा है, और डी के बड़े बड़े चैनलों पे ये लीग चल रही है जिसकी वजह से हिंदुस्तान भर में लोग देख रहे हैं इसको, और हमारा जो जी फाइव है उसके जरिए सारी दुनिया में लोग IT20 देख रहे हैं। जिस तरीके से ये शुरुआत नजर आई माई एमिरेट्स की, पूरे सीजन वो चौके छक्के, वो व्यूअर्स, दर्शक मैदान में, और साथ में जैसे आपने कहा जी के माध्यम से विश्व भर में वो जुड़ते चले गए, क्योंकि कमाल की एंटरटेनिंग क्रिकेट देखने को मिला 200 मिलियन, और आज उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से फाइनल खेला जा रहा है वो नंबर अपने आप में और बढ़ता जाएगा। आप कितना खुश हैं? हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, मेनली इसलिए कि आज 34वां मैच है और हर मैच में दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इससे कि मोमेंटम जो बना है इस लीग का वो बहुत अच्छा है। आज जिस तरीके से इस मैदान में भी दर्शक भरे हुए हैं और एंटरटेन करते हुए नजर आ रहे हैं मोहम्मद वसीम और कुशल फेरेरा, जिस तरीके से जी एंटरटेनमेंट अब एक तरफ जी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट बनता चला जा रहा, वो सफर कैसा आपको अभी तक वो महसूस हो रहा है? अभी तो 6 साल के बाद जी ने स्पोर्ट्स में कदम रखा है, तो अभी तो शुरुआती दौर है, लेकिन आगे आगे देखिए अच्छा काम करेंगे। अब तक जिस तरीके से ये प्रतियोगिता चल रही है, दुबई कैपिटल्स माई एमिरेट्स, पूरा सीजन कमाल का रहा, कोई फेवरेट अभी? मेरा कभी भी कोई फेवरेट नहीं है। कोई खिलाड़ी तो होगा, मेरा कोई कमेंटेटर भी फेवरेट नहीं, नहीं मैंने खिलाड़ी की पूछी है, खिलाड़ी कमेंटेटर नहीं, खिलाड़ी नहीं, मेरा कोई फेवरेट नहीं, सब बराबर। कोई तो एक पसंद आया होगा कि यार इसकी बल्लेबाजी गेंदबाजी देख के मजा आया। नहीं, मैं हफ्ते भर पहले यहाँ था और पिछले फ्राइडे आफ्टरनून का मैच था, और आज़म खान जब मार रहा था और ये पूरा स्टेडियम भरा हुआ केवल उसका नाम ले रहा था, मैं तो उसको पहली दफ़े खेलते हुए देखा, मैं हैरान ही रह गया उसके। मोइन खान के सुपुत्र हैं आज़म खान। 60 बिना किसी नुकसान के। अभी भी वो 6 गेंदें पाप ले की बची हुई है सिकंदर रजा। जी हाँ, इसी तरीके से विश्व भर में इस लीग का सभी दर्शक लुत्फ उठा रहे हैं। राहुल जोरी जी हमारे साथ, राहुल भाई ट्रूली इंटरनेशनल फ्लेवर, विश्व भर से जो प्लेयर्स इकट्ठा हुए हैं 21 अलग अलग देशों से,
अब आने वाले समय में और क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जैसे जैसे लीग का ट्रैक्शन बढ़ेगा और जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी लीग है, ये तो नेचुरल है कि दुनिया भर का टैलेंट यहाँ अट्रैक्ट होगा। और यहाँ पर जैसे आपको पता है कि 9 इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं हर टीम में, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया और BCCI को छोड़ के कहीं भी इतने ज़्यादा डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पर तो ये इंटरनेशनल लीग है, इंटरनेशनल फ्लेवर है और वो उसी का मज़ा। साथ ही साथ पहले आपकी राय जानना चाहूँगा, फिर वीरू के पास भी आऊँगा। जिस तरीके से अब तक लीग के सभी मैचेस हुए हैं और अभी ये फाइनल मुकाबला, जो आपको वो कॉन्टेस्ट मुकाबला टीमों में प्लेयरों में नज़र आ रहा है, आपकी राय, फिर वीरू से भी जानना चाहूँगा, क्रिकेट का स्तर कितना बढ़ गया पिछले सीजन से और इस सीजन भी? देखिए, आप लोगों ने भी खेला है, आपने सबसे बड़े स्तर पर खेला है, मैंने बहुत छोटे स्तर पर खेला है, लेकिन जब मैच शुरू होता है तो फिर खेलना पड़ता है। तो इसलिए वो तो जैसे जैसे कंपटीशन मच्योर होता है अपने आप स्टैंडर्ड बढ़ते चले जाएगा, बट वीरू ज़्यादा जानते हैं इसको। और इस लीग की खास बात क्या है, यही तो इसे और लीगों से अलग बनाती है, क्योंकि 9 इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं हर देश के, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, अगर एक सिर्फ इंडिया को छोड़ दें तो बाकी सारी कंट्रीज के प्लेयर यहाँ पर खेल रहे हैं, और अपने आप में वो एक बड़ी बात है। इतने इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ खेलने का मौका मिल रहा है UAE के लोकल प्लेयरों को, जो उनकी क्रिकेट को सुधारेगा। जैसे अगर मोहम्मद वसीम की बात कर ले जो आज खेल रहे हैं, तो उन्होंने कमाल की, पिछले सीजन में उनका अच्छा रहा, ये सीजन में अच्छा रहा, तो वो उनको कितना एक्सपीरियंस मिला है इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ खेल के, तो वो बड़ा फ़ायदा है इस लीग का मैं कहूँगा। बाकी और लीगों में किसी में 4 है, किसी में 5, किसी में 6 ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं, 9 इंटरनेशनल प्लेयर, वर्ल्ड की इकलौती ऐसी लीग है जहाँ पर 9 इंटरनेशनल खिलाड़ी एक टीम का भाग है। क्रिकेट वाइज तो ये बढ़िया लीग है। अब सिर्फ बात यह है कि ये कितने और लोगों तक पहुंचती है और कैसे पहुंचती है। अगर इस तरह की शॉट लगेंगे तो शायद फिर सारा संसार ही इस लीग को देखना चाहेगा। लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उम्मीद करते हैं इसी तरीके से नंबर्स बढ़ते चलते हमेशा की तरह, और आप के माध्यम से, क्रिकेट के माध्यम से सभी लोग विश्व भर में एंटरटेन होते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।